हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आप ही के अपने चहेते चैनल एसआर सर्विस में। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो एक ख़ास टॉपिक पे बना रहा हूं। बहुत सारे दोस्त मुझे बता रहे थे कि फ़ोन करके कि मेरा फॉलोअर का ऑप्शन नहीं आता है, मैं इस वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, तो इसको आप कैसे इनेबल कर सकते हो इसी के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने 10,000 लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया 10,000 फॉलोअर के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने अभी आईडी रिफ्रेश किया हुआ है, लगभग 2900 के आसपास स्पेस है। आप भी चाहे तो यहाँ आके सपोर्ट करके टाइमलाइन में ऐड हो सकते हैं। आपको नीचे मैं अपनी टाइमलाइन भी दिखा देता हूँ, जस्ट नाउ में कैसे चलते रहता है। यहाँ जस्ट नाउ में ही आपको पोस्ट मिलेंगे और लाइक भी भरपूर मिलता है यहाँ पर। आप देख सकते हो जस्ट एक क्लिक में 150-200 पूरा जस्ट नाउ ही चलता है यहाँ। तो आप भी यहाँ पर सपोर्ट करके ऐड हो सकते हैं। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो फॉलोअर का ऑप्शन, ये वाली जो ऑप्शन है नहीं दिखाई देती है दोस्तों को, इसको कैसे इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, अपने फेसबुक को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये सेटिंग और प्राइवेसी का ऑप्शन, इसमें जाके ये सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है आपको। और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा और ये वाले ऑप्शन जो पब्लिक पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें आपको जाना है। और जाने के बाद यहाँ से ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, हु कैन सी योर फॉलोअर ऑन योर टाइमलाइन। सिंपली दोस्तों आपके में या तो फ्रेंड होगा या ओनली मी होगा, उसको आपको जैसे इस या तो इसमें होगा या इसमें होगा, इन दोनों से हटा के आपको पब्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिक करोगे आपके टाइमलाइन में दिखाने लगा। और भी बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें है, उसको बता देता हूँ। कई बार आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब कमेंट मारते हैं तो हमारा जो कमेंट है वो सबसे ऊपर में दिखाई देता है, तो वो कमेंट ट्रैकिंग की वजह से होता है। आप लोग का अगर ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग आप लोग को कमेंट मारेंगे या आप खुद अपने आप में कमेंट करोगे तो आपका कमेंट जो है सबसे ऊपर में दिखाई देगा। और इसमें और कई सारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे इसमें आपके प्रोफाइल को पब्लिक देख सकती है, उसके लिए ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसको आप पब्लिक करते हैं तो पब्लिक आपके पूरे प्रोफाइल को देख सकती है। और यहाँ पास फॉलोअर, आपको कौन फॉलो कर सकता है, तो इस ऑप्शन को ज़रूर आप इसको पब्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई आपको रिक्वेस्ट भेजेगा फॉलोअर इसी की वजह से बढ़ता है। कई सारे दोस्तों का जो रहता है ऑप्शन ये फ्रेंड्स में रहता है, जो उनके फ्रेंड रहते हैं वही उनको फॉलो में दिखाता है, इसलिए आप इसको पब्लिक कर लीजिएगा। पब्लिक करने से क्या है, आपका फॉलोअर जब भी कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो ऑटोमेटिक वो आपके फॉलोअर में जाता जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही वाला जो ऑप्शन है आपको इसमें पब्लिक कर देना है। पब्लिक करते ही आपका ऑप्शन शो होने लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये तो आज का टॉपिक था। अगर और भी कुछ चीज़ का जानकारी हो तो मेरे बायो में मेरा नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से आप मुझे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।